आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य। जनपद कानपुर देहात के नाले में कार गिर जाने से 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। बताया जा रहा है कि भिंड एमपी से एक तिलक समारोह से सभी लोग लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर जाने से हुआ दर्दनाक हादसा। राहगीरों ने 2 बच्चों की जान बचाई जिन्हें मामूली चोटें आई। पहले इटावा से लौटने की बात पुलिस के सामने आ रही थी। कानपुर देहात के एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा दुर्घटना को लेकर दिया गया ये बयान। कानपुर संवाददाता मोहम्मद शादाब की लाइव रिपोर्ट। देखिए, आज करीब 2 बजे रात को थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा संदलपुर रोड पर जगन्नाथपुर गांव के यहाँ एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो अनियंत्रित होके पलट गई थी, और पलट के ये जो चौड़ा और गहरा नाला यहाँ पर जो है उसमें गिर गई थी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 बच्चों को बचा पाए थे। बाकी इसमें जो बचे 6 लोग थे जो गाड़ी में फंसे हुए थे और उनकी मतलब फंसने के वजह से मृत्यु हो गई। ये सभी लोग जो है थाना डेरापुर में मुर्रा गांव और थाना शिवराजपुर कानपुर नगर के निवासी हैं। ये लोग सभी लोग फूंक गांव इटावा क्षेत्र में एक तिलक समारोह में शामिल होके वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त देर रात को ये घटना हुई है। बाकी ये सभी को निकाला गया था और इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। जो भी विषय सामने आएंगे आपका अवगत कराया जाएगा। पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाज सेवियों के हित में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने हेतु 9450121225 92 पर संपर्क करें व सदस्य बनकर हर पीड़ित की आवाज़ बने।